जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 28 केंद्रों पर 4,532 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,660 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,872 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 18 लाख से ज्यादा फर्स्ट डोज और 3 लाख से अधिक सेकेंड डोज लगाया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे जनपद में 16 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज हमारे ज़िले में खास वही वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि आज बुधवार है जिसमें कि रूटीन इम्यूनाइजेशन का काम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटरों पर वहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन चल रहा है। और परसों से हमारे यहाँ टीका कोविड टीकाकरण अच्छी मात्रा में चलेगा। जनपद से हमारी अपील है कि कोरोना वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। जब भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो, सेंटरों पर लोग आए और शांतिपूर्वक बगैर भीड़भाड़ इकट्ठा किए वैक्सीनेशन कराएं। अभी तक हम 22 लाख से ज़्यादा डोज दे चुके हैं, 18 लाख से ज़्यादा पहला डोज है और 3 लाख से ज़्यादा दूसरा डोज दिया जा रहा है। हमारा टारगेट है 36 लाख का टारगेट है मैं साल में हमारे ज़िले का, तो हम जल्दी से जल्दी हम टारगेट को पूरा कर लेंगे।